हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी मतलब क्या? कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है, राइट? कि बिल पास करने की प्रक्रिया क्या है, कि कैसे कोई प्रावधान जो है वो कानून कैसे बनता है, क्लियर? तो आइए आज हम लोग यही लेक्चर में यही देखेंगे कि सबसे पहले कि बिल कैसे मतलब पास होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे चालू करने से पहले हमको ये समझना है कि बिल मतलब क्या, कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल। अगर मैं बिल के बारे में बात करूँ, बिल को मतलब आप ऐसे समझ लो कि इट इज़ अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ ड्राफ्ट, राइट? वो एक कहने के भी टेम्पररी कहने काइंड ऑफ वो एक ड्राफ्ट है। आपको भी ये समझना है बिल मतलब क्या, इट्स अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ ड्राफ्ट, क्लियर? ड्राफ्ट मतलब क्या? देखो, सबसे पहले ये होगा कि कोई भी एक बिल है ना, उसको हम किसी भी एक हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के किसी भी एक गृह के अंदर, मतलब हमको पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक आपका आता है लोकसभा, दूसरा आपका आता है राज्यसभा। कोई भी बिल होगा, वो ड्राफ्ट होगा, वो पहले किसी भी एक हाउस में लाया जाएगा। ये हाउस में लाने के बाद, चलो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो बिल है, सपोज वो लोकसभा में हम लोग सबसे पहले लेके आए, अज्यूम करो कि हम लोग लोकसभा में सबसे पहले ये बिल लेके आए। तो लोकसभा के अंदर आप ये देखना कि यहां पे सबसे पहले बिल के ऊपर होगा डिस्कशन, राइट? यहां पे इसके मतलब चर्चा की जाएगी, डिबेट होगा, सब कुछ डिस्कशन होगा। बाद में ये बिल को हम लोग लोकसभा से पास करके, हम लोग इसको लोकसभा से पास करके बाद में भेजेंगे टू दी राज्यसभा। क्लियर? राज्यसभा में भेजने के बाद फिर से क्या होगा? फिर से ये बिल पे होगी, तो आपकी होगी चर्चा। तो फिर से यहां पे आपका क्या होगा? डिस्कशन होगा। एंड डिस्कशन होने के बाद ये बिल को कहीं ना कहीं हम लोग पास करेंगे फ्रॉम दी राज्यसभा। देखो, जब भी ये ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट को हमने किसी भी एक हाउस में भेजा, लोकसभा या राज्यसभा। जैसे ही ये एक हाउस से पास होके जाएगा दूसरे हाउस में, हम फिर से इसे हमको डिस्कशन एंड पास होने के बाद में ये जाएगा टू दी राष्ट्रपति, इनको हम भेजेंगे टू दी प्रेसिडेंट, और बाद में प्रेसिडेंट यहां पे अपनी मोहर लगाता है। क्लियर? क्लियर? तो हम लोग ये बिल को भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, एंड बाद में प्रेसिडेंट जो है वो यहां पे वो बिल को साइन करेगा। जब इसको हम कहते हैं असेंट। क्लियर? आप देखने जाओ, एक बिल पास करने की प्रक्रिया क्या है, कि किसी भी एक तुम बिल को लेके आओ, बिल को तुम बाद में किसी भी एक हाउस में भेजो, हाउस में भेजने के बाद वहां पे चर्चा करो, उसको पास करो, पास करने के बाद ये जाएगा दूसरे हाउस पे, दूसरे हाउस में फिर से चर्चा होगी, पास होगा। बाद में अगर ये दोनों हाउस से पास हो गया, बाद में हम लोग इसको भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, राइट? प्रेसिडेंट। बाद में प्रेसिडेंट यहाँ पे बिल के ऊपर साइन करता है। एंड जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन करेंगे, असेंट देंगे, राइट? तो आपका ये जो बिल है, नाउ द बिल विल बिकम एक्ट, कि अब से ये प्रावधान कानून बन चुका है, ये अब से लागू होगा। क्लियर? तो ऐसे आपका एक जो बिल है वो एक आपका बनता है आगे जाके एक्ट। क्लियर? तो ये एक सिंपल, ये आपका एक होता है प्रोसेस, प्रोसीजर, कि कैसे हम लोग बिल को पास करवाते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि ये पास कैसे होगा, कि कैसे पास किया जाएगा, वोटिंग कैसे होती है बिल के ऊपर। तो यही हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में, कि बिल को पास करने का, यहाँ पे वोटिंग करने का प्रक्रिया क्या है। ये वोटिंग कैसे होती है, कितने नंबर्स मुझे चाहिए यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे वही देखना है। क्लियर? तो आइए चलो बात करते हैं कि यहाँ पे वोटिंग कैसे होगा बिल के ऊपर। क्लियर? तो चलो, अगर मुझे बिल पास करवाना है तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आती है।
हम लोग ये कह सकते हैं। क्लियर। और देखो ये कौन कौन सी यहाँ पर तुम्हारी टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज आ रही है, वो सबसे पहले तुम्हारी आती है उसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद आपका आता है बोल सकते हो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर। तीसरा आपका आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और चौथा आपका आता है स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर। सो बिल पास करने के आपके कहने के चार टाइप है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। आइए अब हम लोग इन सबको एक एक करके समझते हैं। सो अगर सबसे पहले बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल? सिंपल का मतलब पता है क्या? इसको मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या कि कितने लोग आए और कितने लोग आए उसमें से कितने लोगों ने यहाँ पे मत डाला, उसका मुझे चाहिए मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या कि मेरे पास कहीं ना कहीं 50% प्लस वन वोट। राइट। सो मेरे पास इतने वोट्स हो गए तो मैं राइट तो मेरा ये बिल पास हो जाएगा। क्लियर। तो आइए पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या। अज्यूम करते हैं, टेक द एग्जांपल कि किसी एक पर्टिकुलर दिन राइट हाउस के अंदर, क्लियर, आपके कहीं ना कहीं 300 MP आए। तो आपके यहाँ पे 300 MPs आए। अब सपोज आपने कोई बिल लेके आए और आपको उसको पास करवाना है और मुझे ये बिल पास करवाना है थ्रू सिंपल मेजोरिटी। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप देखने जाओ तो 300 में से ये 300 में से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों ने ही वोट किया है। क्लियर। तो यहां पे आप देखने जाओ तो 300 में से वोट किसने डाला? 200 लोगों ने। तो मुझे ये 200 का चाहिए मेजोरिटी। कितना होगा 200 का 50% कितना होता है? 100 प्लस 1 कितना? 100 प्लस 1 कितना होगा? 101। सो अगर मेरे पास यहां पे अगर 101 वोट आ गए अगर मेरे पास 101 वोट आ गए मतलब मेरा बिल पास। इसको आप ऐसा समझ लो कि सपोज आपके घर में 50 लोग हैं, 50 में से जब आप अगर किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे तो उस टाइम पर सिर्फ घर में 30 लोग ही हाजिर थे। क्लियर। तो ये 30 में से भी सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करने बैठे। तो ये 20 का मेजोरिटी कितना होता है? 50% + 1। तो 20 का 50% मतलब कितना? 10। 10 + 1 = 11। सो भले 50 लोगों का मेरा घर है और 30 लोग ही बेसिकली हाजिर थे और लेकिन वोट कितने लोगों ने डाला? सिर्फ 20 लोगों ने। तो 20 का मतलब कि अगर मेरे पास 11 वोट आ गए मतलब मेरा वो पर्टिकुलर डिस्कशन मतलब बिल पास। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो इसको हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। उसका मतलब क्या? पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने लोग आए, और आए तो आए ठीक है लेकिन उसमें से कितने लोगों ने वोटिंग किया।
सो अगर सपोज किसी पर्टिकुलर दिन 300 लोग आते हैं लेकिन सिर्फ 100 ही लोग वोटिंग करते हैं, राइट, तो मुझे सिर्फ 100 लोगों का ही चाहिए मेजोरिटी, कितना आएगा वो 100 लोगों का 50% मतलब 50 प्लस एक 51 वोट्स, क्लियर? तो ये आपका बिल पास करने का एक वे है जिसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सो आपका किसी भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन ऐसे कौन कौन से बिल्स हैं जिसको पास करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, क्लियर? तो इसको हम कहेंगे सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब पता है क्या? मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस, इसका मतलब पता है क्या? चलो इसको फिर से हम लोग एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपके टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी हाउस की, ये मतलब सपोज आप अज्यूम कर लो कि आपके जो हाउस है, आपका जो घर है, राइट, उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 50। हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है? 50। तो मुझे ये 50 का चाहिए मेजोरिटी, तो इसका कितना होता है मेजोरिटी 50 का? तो ये 50 का 50% प्लस वन, क्लियर? तो कहना है इसे 25 प्लस वन, तो ये कितना होगा? 26, राइट? तो मुझे इतने वोट्स चाहिए। अब कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, कितनों ने वोट डाला, कितनों ने वोट नहीं डाला, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अगर कोई बिल अगर मुझे पास करवाना है थ्रू एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो मुझे टोटल 26 वोट चाहिएंगे हाउस की टोटल स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है दोस्तों? देखो सिंपल में क्या था, हाउस की स्ट्रेंथ चाहे कुछ भी हो, कितने लोग आ जाए और उसमें से कितने वोटिंग डाला उसका चाहिए मेजोरिटी। यहाँ पे क्या होगा, कितने लोग आए नहीं आए, मुझे कुछ सपोज अगर किसी अगर मुझे कोई बिल पास करवाना है थ्रू एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो यहाँ पे आपका ये होता है, राइट, कि अब अगर सपोज किसी दिन मुझे 26 वोट चाहिए एंड सपोज उस दिन सिर्फ तुम्हारे 26 के 26 ही सांसद या MP है, सो अब मुझे उन सबके वोट चाहिए। अब अगर उसमें से किसी एक ने भी वोट नहीं डाला ना, तो भाई मेरा बिल पास नहीं होगा। तो आप ये नहीं कह सकते भाई 26 आए तो मतलब 26 का कितना होता है मेजोरिटी? 14। नहीं, वो 14 वोट्स नहीं, मुझे कितना चाहिए? 26। सो कितने आए, कितने नहीं आए, कितनों ने वोट डाला उसका फर्क नहीं पड़ता है। कितने कितने लोग घर में है, क्लियर? स्ट्रेंथ क्या है हाउस की? 50। 50 का कितना होगा? 26। सो अगर किसी दिन 25 से संसद है तो मेरा बिल पास गिना जाएगा इन, क्यों? क्योंकि मैं एक वोट शॉर्ट हूँ, क्लियर? सो अगर आप देखने जाओ, इफ आई टॉक अबाउट राज्यसभा, राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा की तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है? 250। तो इसका एब्सोल्यूट कितना होता है? कहना इसे 125 प्लस 1, 126, राइट? तो मुझे टोटल कितना चाहिए? 126 वोट। अगर मुझे कोई भी बिल पास करवाना है फ्रॉम द राज्यसभा, इफ आई टॉक अबाउट लोकसभा, उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 545, राइट? तो इसका कितना होता है एब्सोल्यूट? 273। सो अगर मेरे पास इतनी है चीज, राइट, इतनी सीट्स है, तो यहां पे मैं मेरा बिल पास हो जाएगा। सो अगर आप देखने जाओ,
अगर मुझे सरकार बनानी हो लोकसभा में, मुझे कम से कम इतनी सीट्स चाहिए, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्ट्रेंथ कितना उसका, अब कितने आए कितने नहीं आए मुझे सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतना फिगर होना चाहिए। समझ आया दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो देखो सिंपल का मतलब क्या था, पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाउस की स्ट्रेंथ से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसमें यहाँ पे सिंपल इतना ही है कि कितने लोग आए उसमें से भी कितनों ने वोट डाला, राइट? और बाद में तुम देखने जाओ एब्सोल्यूट मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए मुझे 50%, दैट्स इट, क्लियर? इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बाद में आपका आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब देखो इफेक्टिव का मतलब क्या, इसको आप ऐसा समझ लो, इफेक्टिव का मतलब ये होगा कि मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। इसका मतलब पता है क्या होता है कि हमको पता है कि सपोज आप देखने जाओ, इफ आई टॉक अबाउट राज्यसभा, चलो मान लेते हैं, तो हमको पता है कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250। ये क्या हो गई, उसकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई। अब सपोज आपकी यहाँ पे कुछ सीटें खाली पड़ी है, खाली क्यों आती है कि सपोज किसी सांसद ने रिजाइन कर दिया, या हमने किसी सांसद को निकाल दिया, या सपोज किसी सांसद की कोई भी कारण सर यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है और अभी उस और उसकी पर्टिकुलर सीट पर अभी चुनाव बाकी है, तो कहने से ये सारे सिचुएशन में वो पर्टिकुलर सीट्स खाली पड़ी है हाउस के अंदर। समझ आ रहा है कि भाई वो रिज़ाइन कर देता है या उसको निकाल देते हैं हम, या उनकी सपोज उनकी उनकी डेथ हो जाती है या उनका टर्म ख़त्म हो जाता है, क्लियर? सो कहना इसे कि यहाँ अज्यूम करो कि ये जो सपोज ऐसे कहीं ना कहीं करके राज्यसभा में तुम्हारी 50 सीटें खाली पड़ी है अभी, जहाँ पे अभी इलेक्शंस बाकी है या कोई उम्मीदवार नहीं बैठा है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, ये 200 हुआ, तो मुझे अब ये 200 का चाहिए मेजॉरिटी। अब समझ आ रहा है दोस्तों? ये 50 क्या था आपका, वो आपका वैकेंट सीट था, क्लियर? तो ये 200 का मेजॉरिटी कितना होगा आपका, देखने जाओ तो इसका इफेक्टिव मेजॉरिटी कितना होता है, कहना इसे 100 प्लस 1 कितना हुआ, ये 101। तो अगर मुझे कोई बिल पास करवाना है थ्रू इफेक्टिव मेजोरिटी, तो मैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 101, क्लियर? जबकि एब्सोल्यूट क्या है, 250, कितना खाली है कितना भरा पड़ा है मुझे कुछ जानना नहीं है, 250 का मुझे चाहिए मुझे मेजोरिटी, मतलब 126। समझ आया? तो आप देखने जाओ तो फर्क क्या है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव। एब्सोल्यूट में क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना है तुम उससे बात करो, कितने आए कितने नहीं आए मुझे उससे कुछ मुझे कुछ पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना वोट चाहिए, बात खत्म, क्लियर? इफेक्टिव में क्या होगा कि स्ट्रेंथ तो सपोज इतनी है, क्लियर, लेकिन आपकी सीटें कितनी खाली पड़ी है, 50 सीटें, तो आपके पास जो एक्चुअल सीटें भरी है मुझे उसका चाहिए मेजोरिटी, कितना, 101। फिर यहाँ पे कितने आए कितने नहीं आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतने वोट से अपना बिल पास करवाना है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ आया फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये आपको तीन चीज समझ आई, सिंपल क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं चौथा टाइप का, जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ना आपका,
वो यहाँ पे कहना कि चार टाइप में आता है, वो चार प्रकार का आता है, क्लियर। इसको हम कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन, स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू, स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री एंड स्पेशल मेजोरिटी टाइप फोर। तो आपका ये जो स्पेशल मेजोरिटी है वो आपका चार टाइप का आएगा, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर, क्लियर। अब देखो टाइप वन मतलब क्या, टाइप वन का आपका मतलब क्या है बताए। टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो सिंपल में क्या था, 50% चाहिए था मेजोरिटी मुझे, मतलब 50% चाहिए ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो क्या था मेरा सिंपल। लेकिन टाइप वन क्या स्पेशल में, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो टू थर्ड मतलब कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट 67%, क्लियर। तो अभी सपोज आप देखने जाओ सिंपल और टाइप वन में फर्क क्या है। सिंपल में अगर आपके राइट 100 लोग आए, 100 में से सिर्फ और सिर्फ अगर 80 लोगों ने वोट डाला है तो 80 का कितना होगा मेजोरिटी आपका, 41। लेकिन अगर आप देखने जाओ टाइप वन में क्या हो रहा है कि अगर आपके 100 लोग आए राइट एंड 100 में से सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों ने वोट डाला है तो मुझे 80 का चाहिए टू थर्ड। तो यहाँ पे जो 80 है उसका आपका टू थर्ड कितना होगा बताइए। तो कहना इसे कि कहीं ना कहीं राइट, तो कहना इसे कि कहीं ना कहीं आपका बोलने जाओ देखने जाओ तो ये आपका हो सकता है राइट 80 डिवाइड बाय 3, तो 8 3 6 20, तो ये 6 राइट 20 पॉइंट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं 6 6, क्लियर। तो ये 20.6 × 6, तो कहना इसे कि आपका ये होगा कहीं ना कहीं 53, क्लियर। तो मुझे यहां पे चाहिए आपके 53 वोट्स, जबकि सिंपल में कितना था 41। समझ आ रहा है सिंपल मतलब क्या, जितने लोग आए उसमें से कितनों ने वोट डाला उसका 50%, बात खत्म। यहाँ पे जितने लोग आए और कितने लोगों ने वोट डाला उसका मुझे चाहिए 67%। इसको हम बोलेंगे टाइप वन स्पेशल मेजोरिटी, समझ आ रहा है, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। अब बात करते हैं टाइप टू। ये जो आपका टाइप टू है ना वो कॉम्बिनेशन है। ये टाइप टू का मतलब होता है क्या, टाइप वन प्लस राइट आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अब देखो ये क्या होता है टाइप टू। टाइप वन मतलब क्या कि टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये प्लस एब्सोल्यूट मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो यहां पे आप देखने जाओ अज्यूम करो कि मुझे कहीं ना कहीं, सो अगर मैं टाइप टू के बारे में बात करूं, क्लियर है। तो यहां पे पता है क्या होगा, सपोज अगर तुम यहां पे क्या, टाइप वन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो अगर सपोज अज्यूम करो कि मैं कोई बिल लेके आ रहा हूं राइट एंड सपोज अभी मैं वही बिल लेके आया लोकसभा में, और लोकसभा की आप बोल सकते हो कि जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ थी राइट वो कितनी है 545, क्लियर। तो ये 545 का एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होता है 273, क्लियर है। एंड दूसरा सपोज ये जब मैं बिल लेके आया उस दिन राइट, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो
कि 350 या बोल सकते हो कि चलो राउंड फिगर लेते हैं 360 एमपीज ही प्रेजेंट थे। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 लोगों ने ही वोटिंग किया, राइट। तो ये 300 जो है उसका 2/3 कितना होता है, 300 × 2/3, तो कहना इसे कि ये 200 होगा, क्लियर। सो आप देखने जाओ, मुझे जब भी कोई बिल टाइप 2 से पास करना है तो मेरे पास यहां पे दो फिगर है, एक 273 और एक दूसरा 200। सो टाइप 2 में जब भी ये मैं बिल पास करूंगा तो 273 एंड 200, तो मुझे ये दोनों फिगर पास करने पड़ेंगे इन वन गो। सो आप देखने जाओ दोनों में अपर लिमिट कौन सी है, 273, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 273। सो अगर मैंने 273 वोट्स लेके आ गया तो कहना इसे कि मैंने ये वाला भी जो क्राइटेरिया वो भी अचीव कर दिया और ये वाला भी मैंने क्रॉस कर दिया। समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपको मतलब दो, आपको आपको यहाँ पर दो फिगर कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कितना होगा और आपका पीपल प्रेजिडेंट वोटिंग कितना होगा, क्लियर। सो जो भी आपका बड़ा फिगर होता है, सो देखो 273 एंड 200, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 273, तो आप बेसिकली इतना फिगर लेके आओगे इन जस्ट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, क्लियर। तो आप देखने जाओ तो यहाँ पे क्या आपको यही करना है कि जो दोनों में से बड़ा फिगर है आप वो फिगर से यहाँ पे आप वोट लेके आओगे। इसको आप और ज्यादा ये सिंपल कर दो कि सपोज हाउस की स्ट्रेंथ कितनी थी 100 लोगों की, तो इसका आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होता है, कहना इसे 51, ये इसका होगा आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके अलावा अब सपोज उस दिन सिर्फ और सिर्फ 90 लोगों ने ही यहाँ पे वोटिंग किया, तो ये 90 का 2/3 कितना होगा, कहने से 60। सो अब आप देखने जाओ तो ये दोनों में से बड़ा फिगर कौन सा है, 60। तो जब भी वोटिंग होगा ना तो मुझे कम से कम 60 वोट लाना है। अब सपोज उस दिन 90 आए या 40 आए 70 आए कितने भी आए, मैं अगर ये 60 वोट लेके आया तो मेरा ऑटोमेटिकली ये दोनों फिगर क्रॉस होंगे, राइट, तो मेरा ये बिल पास हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी, जहाँ पे आपको दोनों फिगर एक बार में क्रॉस करना है, स्पेशल वाला भी और एब्सोल्यूट वाला भी, क्लियर फ्रेंड्स। जिसको हम बोलेंगे टाइप 2, क्लियर। बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप 3। सी फाइव टॉक अबाउट टाइप 3, तो यहाँ पे सिंपल है, टाइप 2 प्लस टाइप 2 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। देखो यहाँ पे पता है क्या होता है, सपोज हम लोग कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप लोग स्टेट मतलब राज्य सरकार के ऊपर भी ये बिल का इफेक्ट आ सकता है। टेक द एग्जांपल जीएसटी। सो अगर मैं जीएसटी का बिल लेके आ रहा हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जीएसटी के जो प्रावधान है वो मतलब हर आपके जो जितने भी राज्य सरकार्स है उन सब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आपका कोई ऐसा कोई बिल आता है जो केंद्रीय शासन के साथ साथ राइट राज्य सरकार के ऊपर भी इफेक्ट लेके आएगा, तो ऐसे केस में आप वो बिल को टाइप 2 से तो पास कर ही रहे हो। अब आपको पता है कि टाइप 2 है क्या, वो राइट 2/3 मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स की आपको हाँ चाहिए। सो अगर आप देखने जाओ इंडिया में अभी स्टेट्स कितने हैं, टोटल 28 स्टेट्स है। सो मुझे 28 में से सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो कि 15 स्टेट्स की हाँ चाहिए। क्या बोल सकते हो, अप्रूवल। सो अगर 15 स्टेट्स के, अगर 15 राज्यों ने हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है आप ये बिल लेके हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका बिल पास हो जाएगा। बाकी के 13 हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर 50% ज्यादा अगर स्टेट्स ने हाँ बोल दिया मतलब बात वहीं पे खत्म। तो टाइप 3 आपका क्या होगा, आपको मतलब वो तो लेके ही आना है
टू थर्ड वाला, मतलब आपको ऐसा मतलब जो बिल है आपका टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द सॉरी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, उसे आपको बिल पास करना ही एट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ साथ आपको ये, आपको यहाँ पे 15 स्टेट्स का आपकी यहाँ चाहिए, जिसको हम बोलेंगे टाइप 3। क्लियर? एंड बाद में आपका आता है टाइप 4। एंड टाइप 4 आपका क्या है? कुछ नहीं है, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो देखो इसका मतलब यहां पे ये होगा कि देखो एब्सोल्यूट में हम लोग ये एब्सोल्यूट वाला ही है टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट में क्या कर रहे हैं, 50% चाहिए हमको, 50% + 1। लेकिन यहां पे टाइप 4 में हमको कितना चाहिए एब्सोल्यूट के अंदर, टू थर्ड मतलब 67% हमको वोट चाहिए। यहाँ पे कितना था 50, यहाँ पे 67। सो अगर आप देखने जाओ, अज्यूम करो कि 500 हाउस की स्ट्रेंथ है, सो 500 का एब्सोल्यूट कितना होता है 50% वाला, 251 होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ये टाइप 4 से पास करवाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, 500 × 2/3। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? सो अगर आप ये देखने जाओ तो आपका ये कितना होता है, मतलब कहना इससे कि कहीं ना कहीं 333 कहीं ना कहीं सॉरी 363। क्लियर? तो मुझे यहां पे कहना कि आप बोल सकते हो कि कहना कि इतने वोट्स लेके आने, 333 सॉरी। क्लियर है? तो अगर मैं इतने वोट्स लेके आया मतलब मेरा बिल पास। क्लियर? तो वहां पे था कहीं ना क्या बोल सकते हो, यहां पे 251 तो यहां पे 333। ओके, तो जो हाउस का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसका मुझे चाहिए टू थर्ड वोट्स, मतलब 67%, तो मेरा बिल पास होगा। सो आप देखने जाओ तो हमने ये वीडियो में सबसे पहले तो ये देखा कि ये बिल होता क्या है। बिल मतलब कोई एक ड्राफ्ट जो आप किसी भी एक हाउस में लेके आओगे, चर्चा करके उसको पास करवाओगे, पास करने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ से फिर ये पास होगा, फिर जाकर उसी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करेगा एंड बाद में ये एक्ट बनेगा। क्लियर? और इसको ये पास करवाने की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे आपके ये चार टाइप आते हैं, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल। राइट? सिंपल मतलब क्या, पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग आए उसमें से भी कितनों ने वोट दिया उसका चाहिए मुझे 50%। एब्सोल्यूट मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हाउस की स्ट्रेंथ कितनी थी, कितनी संख्या यहाँ पर बैठ सकती थी उसका चाहिए मुझे 50%। इफेक्टिव मतलब कितनी स्ट्रेंथ है उसमें से कितने यहाँ पर वैकेंट सीट है, कितने लोग की यहाँ पर सीट खाली पड़ी उसको आप माइनस कर दो और बाद में आपका चाहिए उसका 50%। एंड स्पेशल में आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 मतलब क्या, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप 2 मतलब टाइप 1 प्लस एब्सोल्यूट। टाइप 3 मतलब हमने देखा ही था टाइप 3 कि टाइप 2 प्लस मुझे स्टेट्स का चाहिए 50% का स्टेट्स की, हाँ। एंड टाइप 4 मतलब टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्लियर फ्रेंड्स? देखो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप बार बार फिर से देखना एंड समझने की ट्राई करना, एंड फिर भी आपको समझ ना आया है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके?